हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम टू मैथ्सपल एंड वेलकम टू क्लास सिक्स. दिस इज द सीरीज ऑफ ऑक्सफर्ड न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास सिक्स. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व चैप्टर चेक ऑफ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन. सो वी विल डू दिस एग्जाम्पल इन अवर नोटबुक. हाउ टू राइट दिस इन एक्सपेंडेड नोटेशन, स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर, राइट टू. Then count the next digits, 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits are there, so put 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Plus, next number is 8. So, after 8, there are 4 digits, so put 4 zero. So, it will become 80,000 plus 4. After 4, there are 3 digits, so put 3 zeros. So, it will 4,000. Next, after 2 there are 2 digits, so put 2 0. Okay, next 3, after 3 there is a 1 digit, so 30, and last mein 1 aayega. Okay, see one more example, 5. After 5 there are 1 2 3 4 5 6 digit, so put 6 0. Plus you can put comma here. In Indian number system we always put comma first 3 digits to 2 digits. Okay, so it is 50 lakh. Next 2 ke baad kitne abhi 6 digit hai, 6 zero hai, to next aayenge 5 zero. 1 2 3 4 5 plus 1, abhi 4 zero aane chahiye. 1 2 3 4, it is 10,000. Next 1, abhi 3 zero aayenge, 1,000. Next 2 zero, 1 zero, and no zero, 8. ओके, नेक्स्ट सी एंड डी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है. देखो यहाँ पे जीरो है तो वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. सेवन डिजिट के मतलब सेवन जीरो के बाद डायरेक्ट फाइव जीरो आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड न्यूमरल. मीन्स यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, आपको न्यूमरल लिखना है ऐसे. सो हियर इज अ प्लेस फॉर राइटिंग, सो आई विल राइट हियर, बट यू शुड राइट इन योर नोटबुक प्रॉपरली. ओके, सो फर्स्ट काउंट ऑफ जीरोज, 1 2 3 4 5 0. देन 4 0, 3 0, 2 0, 1 0. मीन्स ये प्रॉपर है, तो इसमें आपको सिर्फ जीरो को हटाना है, रिमूव करना है और ये नंबर लिखना है. देखो कैसे आएगा ये, 9 7 8 3 4 2. मीन्स दिस नंबर इज 9,78,342. सी द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो 1 2 3 6 0, 5 0, 4 0, 3 0, बट 2 0 है क्या, नहीं है. तो उस 2 0 की जगह पे मतलब 100 प्लस मिसिंग है, उसकी जगह पे 0 आएगा. ठीक है, सो राइट डाउन 3 6 2 3, उसके बाद एक 0 आएगा क्योंकि 100 प्लस मिसिंग है. देन 4 एंड देन 7. नेक्स्ट ये में देखो 7 0, देन 6 0 मिसिंग है, मतलब ये क्रोर की प्लेस है, 10 लाख मिसिंग है. तो 7 के बाद आएगा 0, देन आपका आएगा 1, उसके बाद 4 0 है तो राइट 3. देन 3 0 भी नहीं है, 2 0 भी नहीं है, 1000 प्लस मिसिंग है, 100 प्लस मिसिंग है. सो उसकी जगह पे आएगा 0 0, देन 2, देन 6. ओके, सो कॉमा भी आप दे दो तो वो रीड करने में आसानी होती है. जैसे देखो यहाँ पे 7 0 है, देन 6 0 मिसिंग है, 5 0 मिसिंग है, 4 0 मिसिंग है, डायरेक्ट 3 0 है. तो आपको इस 3 के बाद 3 0 देने हैं. 1 2 3, उसके बाद 4 आएगा, फिर 2 0 है तो 3 आएगा, अभी 1 0 मिसिंग है, मीन्स 10 प्लेस इज मिसिंग, सो उसके जगह पे भी 0 आएगा, देन 1 आएगा. ठीक है, सो दिस नंबर इज 3,04,301. और अब ऐसे भी रीड करो, देखो 3,04,301. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द कलर डिजिट. यहाँ पे कलर डिजिट ग्रीन कलर में देखो 2, सो इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी. अगेन देखो इस 2 के बाद कितने डिजिट है उतने 0 आपको लगाने हैं, तो ये हो गया 2000. नेक्स्ट इस 1 के बाद कितने डिजिट है, 4, सो पुट 4 0, मीन्स ये हो गया 10,000. इस 2 के बाद ओनली 1 डिजिट है, सो पुट 1 0, मीन्स इट इज 20. इस 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, सो ये हो गया 4 करोड़. और अगर आपको इसे डायरेक्ट रीड करना नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, crore. मीन्स ये 4 करोड़ है.
सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि एक्सपेंडेड नोटेशन में कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड न्यूमरल कैसे लिखना है, प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है, अगर वर्ड में दिया है तो उसको न्यूमरल में कैसे लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जाके आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज न्यूमरल। वर्ड में दिया है आपको, नंबर में लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी मैं यहीं पे सॉल्व करने वाली हूँ। 62,45,635, हमेशा आपको नंबर को अच्छे से रीड करना है। अभी 62 लाख बोला है, मतलब यहाँ पे 10 लाख की प्लेस पहले आएगी, ठीक है। सो 62 पहले आप लिखो, ठीक है। 62 लिखा मैंने, लाख बोला है मतलब 50 होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लाख के बाद 45,000 है, 100 भी है, 10th प्लेस भी है और 1st प्लेस भी है, तो यहाँ पे एक भी प्लेस मिसिंग नहीं है। तो आप डायरेक्ट नंबर लिखो, देखो 62 लिखा, फिर आएगा 45, फिर आएगा आपका 635, ठीक है। सो अभी आप रीड कर सकते हो, देखो 62,45,635। नेक्स्ट, अभी 9 करोड़ बोला तो पहले 9 लिखो। अभी करोड़ मतलब इस फर्स्ट डिजिट के बाद 7 डिजिट होने चाहिए, ओके। करोड़ में टोटल 8 डिजिट्स होते हैं और इस 9 के बाद 7 डिजिट होने चाहिए, और करोड़ के बाद कौन सी प्लेस आएगी, ये देखो 58 लाख बराबर है। सो यहाँ पे आएगा 58, अगर सिर्फ 50 होता तो यहाँ पे आप 50 लिखते, फिर 61,000, ये भी करेक्ट है, 61 आएगा क्योंकि लैक के बाद 1,000 का ही प्लेस आता है। उसके बाद 89 बोला है, 100 है के यहाँ पे, नो, सो उस 100 की जगह पे हम 0 लिखेंगे और फिर 89 लिखेंगे। सो अभी आप पहले डिजिट काउंट करो कितने हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है 9 के बाद। सो ये नंबर क्या हो गया, 9,58,61,089, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट कॉमास इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। बहुत इजी है, इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने आपको सिखाया है। 1, 10, 100 यहाँ पे आएगा, फिर एवरी 2-2 डिजिट के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। ये देखो पहले 3 देन 2, 3, 2, 2। और क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट कॉमास इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो इंटरनेशनल सिस्टम में एवरी 3-3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, तो यहाँ पे कॉमा दिया तो फिर से 1, 2, 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिया फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, अच्छे से देख के करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सम अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स द नंबर ऑफ पीपल हु स्पोक द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इन अ गिवन ईयर वॉज, आसामीज इतना दिया है, हिंदी और कोकणी। देखो अभी कॉमा नहीं दिया तो हमें रीड करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। सो ए में आपको क्या करना है, राइट द अबव नंबर अकॉर्डिंग टू द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब नंबर ही लिखना है, कॉमा देके सेपरेट करना है। बी में क्या करना है, राइट द अबव नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वर्ड में लिखना है सेम नंबर को लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में। इसमें राइट द अबव नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यहाँ पे भी वर्ड में लिखना है लेकिन इंटरनेशनल, सो यहाँ पे प्लेस नहीं है, हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। सी हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसीलिए मैंने ये ऑलरेडी आपको लिख के दिया है, देखो आपको भी ऐसे ही लिखना है। पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ कॉमा देना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 में किया था, देखो इंडियन में कैसे करते हैं हम, पहले 3 देन एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा, ओके। और इंटरनेशनल में एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा, यहाँ पे गलत हो गया, देखो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा फिर से लिखती हूँ मैं, यहाँ पे देन यहाँ पे। नेक्स्ट बी में क्या करना है, सेम नंबर है, इनको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। सो देखो मैंने आपको सिखाया है, देखो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, मतलब ये 1 करोड़ होगा। सो यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखनी है 1 करोड़, फिर क्या आएगा 30 लाख, उसके बाद क्या आएगा 79,
थाउजेंड, नेक्स्ट 696, ओके। रिमेनिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिए, देखो ये और ये, आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट सी में है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, सेम वर्ड में लिखना है, देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यहाँ तक सेम होता है, फिर यहाँ पे इंटरनेशनल में आता है हंड्रेड थाउजेंड, जैसे वहाँ पे लैक आया था, ठीक है। सो ये हो गया हंड्रेड थाउजेंड, फिर आएगा मिलियन, टेन मिलियन, ओके। सो ये हो गया थर्टीन मिलियन, सो राइट थर्टीन मिलियन, फिर क्या आएगा सेवेंटी नाइन थाउजेंड, सेवेंटी नाइन थाउजेंड, उसके बाद सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सिक्स। समझ में आया आपको ये? रिमेनिंग टू मैंने यहाँ पे लिख के दिए, देखो दिस वन एंड दिस वन। सो हियर अवर चैप्टर चेक नंबर वन टू सेवन इज ओवर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर एट टू फोर्टीन, ओके। थैंक यू सो मच।